बेटी की शादी के 10 दिन बाद शत्रुघ्न सिन्हा का एक बार फिर से दर्द छलक उठा है। जी हाँ, सोनाक्षी जहीर की शादी पर फिर से बोलते हुए शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द छलका। जी हाँ, खराब तबीयत के बीच सोनाक्षी और जहीर को अपना दर्द बयां करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी गैर धर्म में शादी करे। अब तक यही आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आप सबको बता दें, जहीर और सोनाक्षी की शादी के लिए अपने आप को मनाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने काफ़ी समय लगाया। अब उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है एक चैनल को। उन्होंने कहा है, मेरी बेटी ने जहीर से शादी की है और वो बहुत खुश है, सब अच्छे से हुआ, भगवान की कृपा से मेरी बेटी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। जो लोग खुश नहीं हैं उनको कहने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। ये कहकर अपनी बात शत्रुघ्न सिन्हा ने खत्म की। नेक्स्ट 9 लाइव्स ऋतिक रिपोर्ट।